Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtuza Qaid from the platform of IQ School of Finance. Welcome to the summary lecture of 549 Financial Instruments. आज के summary lecture में हम derecognition of financial asset का concept summarize में cover करेंगे. देखिए, आपके पास अगर कोई financial asset, it can be either debt investment, it can be either equity investment. इस debt investment या equity investment financial asset को हो सकता है हमने fair value through P&L model में रखा हो सकता है हमने fair value through OCI model में रखा हो सकता है हमने debt investment को amortized cost model में रखा हो. जब भी हम अपने फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज करेंगे तो डीरिकॉग्निशन के वक्त डीरिकॉग्निशन डेट पे हम अपने फाइनेंशियल एसेट को पहले रीमेजर करके रिवाइज कैरिंग वैल्यू पे लेकर आएंगे एज पर द क्लासिफिकेशन मॉडल. यानी कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल है तो फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, जो भी फेयर वैल्यू का गेन लॉस होगा वो ओसीआई में रिकॉर्ड होगा. अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल है तो फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, जो भी फेयर वैल्यू का गेन लॉस होगा वो पीएनएल में जाएगा. अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है तो डीरिकॉग्निशन डेट पे अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेकर आ रहे होंगे. पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, पहले अपने डेट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को रीमेजर करेंगे एज पर द रेलिवेंट क्लासिफिकेशन मॉडल और फिर उसे डीरिकॉग्नाइज करेंगे. डीरिकॉग्निशन के वक्त अगर कोई फर्दर गेन और लॉस आता है, डीरिकॉग्निशन के वक्त अगर हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस, हमारी कंसिडरेशन हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड वैल्यू से कम या ज्यादा है, यानी कि कोई फर्दर गेन और लॉस आता है, तो फिर ये सारे ही केसेस में पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रही होगी. पहले फाइनेंशियल एसेट को रीमेजर किया जाएगा एज पर द रेलिवेंट क्लासिफिकेशन मॉडल और फिर डीरिकॉग्नाइज किया जाएगा. डीरिकॉग्निशन पे अगर कोई फर्दर गेन और लॉस आता है, ये एक रीजन ये हो सकता है कि आपने डीरिकॉग्निशन के वक्त कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की हो. सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आपने डीरिकॉग्निशन के वक्त अपने फाइनेंशियल एसेट को अदर देन फेयर वैल्यू पे बेचा हो, तो आपके पास डीरिकॉग्निशन के वक्त कोई फर्दर गेन और लॉस भी आ सकता है. सारे ही केसेस में ये जो डीरिकॉग्निशन के वक्त गेन और लॉस आएगा ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा. फिर इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की डीरिकॉग्निशन में पार्ट ऑफ दी फाइनेंशियल एसेट की डीरिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट को कम्प्लीटली नहीं बल्कि फाइनेंशियल एसेट का कुछ कंपोनेंट, फाइनेंशियल एसेट का कुछ पार्ट डिस्पोज ऑफ करो. तो जो पार्ट या जो कंपोनेंट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो उस कंपोनेंट या उस पार्ट की हद तक ही हम कैरिंग वैल्यू को क्रेडिट कर रहे होंगे. यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि एक डेट इन्वेस्टमेंट के 10 कैश फ्लोज हैं और मैं 10 कैश फ्लोज में से 3 कैश फ्लोज को बेच रहा हूं, तो सिर्फ 3 कैश फ्लोज की हद तक जो मेरे पास कैरिंग वैल्यू बन रही है उसे मैं राइट ऑफ, उसे मैं क्रेडिट करूंगा. मैं उन 3 कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करूंगा ओरिजिनल IRR से और अपनी इन्वेस्टमेंट को उस हद तक ही राइट ऑफ करूंगा, क्रेडिट करूंगा. बाकी जो भी बैलेंसिंग गेन और लॉस है वो पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा. इसके अलावा डीरिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में हमारे पास कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट है. एक फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है, एक फैक्टरिंग विद गारंटी का कॉन्सेप्ट है, रिपर्चेस एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, इनको भी डिस्कस करते हैं. फैक्टरिंग में क्या होता है कि फैक्टरिंग में आप अपना राइट टू कंसिडरेशन या आप अपना रिसीवेबल किसी और पार्टी को सेल कर देते हो. इन अ फैक्टरिंग अरेंजमेंट वन पार्टी ट्रांसफर द राइट टू सम रिसीवेबल टू अनदर पार्टी फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट. अब फैक्टरिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिकली दो तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी आइदर विथ रिकोर्स और इट कैन बी आइदर विदाउट रिकोर्स. विदाउट रिकोर्स का मतलब है कि आपने अपना रिसीवेबल, आपने अपना राइट टू कंसिडरेशन, आपने अपना राइट टू रिसीवेबल किसी पार्टी को सेल किया टूगेदर विद डिफॉल्ट रिस्क. यानी आपने अपना रिसीवेबल बैलेंस सेल कर दिया किसी और पार्टी को और डिफॉल्ट रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया. अब सब्सिक्वेंटली वो रिसीवेबल रियलाइज हो या ना हो, सब्सिक्वेंटली वो रिसीवेबल डिफॉल्ट करे या ना करे, आपको इस बात से कोई कर्ज नहीं है, आपने सामने वाली पार्टी को अपना रिसीवेबल सेल कर दिया है. अगर तो फैक्टरिंग अरेंजमेंट विदाउट रिकोर्स है, यानी कि आपने रिसीवेबल का डिफॉल्ट रिस्क भी सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है, तो अब आप अपने फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज कर दोगे. जो भी कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई ये डेबिट हो जाएगी और जो भी गेन और लॉस होगा ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा. लेकिन अगर एक फैक्टरिंग अरेंजमेंट विथ रिकोर्स है, विथ रिकोर्स का मतलब है कि आपने अपना एक रिसीवेबल, आपने अपना एक राइट टू कंसिडरेशन किसी और पार्टी को सेल किया लेकिन डिफॉल्ट रिस्क सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर नहीं किया. यानी आपने सामने वाले से कमिटमेंट की कि अगर आपके रिसीवेबल डिफॉल्ट कर जाते हैं या रिसीवेबल रियलाइज नहीं होते तो फिर आप सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करोगे, सामने वाली पार्टी को उनके पैसे रिपे करोगे, तो ये अरेंजमेंट हमारा फैक्टरिंग विथ रिकोर्स कहलाया जाता है. अगर फैक्टरिंग अरेंजमेंट विथ रिकोर्स है यानी कि आपने डिफॉल्ट रिस्क ट्रांसफर नहीं किया, तो इस केस में हम अपने फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उल्टा जो पैसे हमने सामने वाली पार्टी से रिसीव किए होंगे उसके अगेंस्ट हम एक फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे होंगे. तो जहां पे डिफॉल्ट रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा वहां फाइनेंशियल एसेट डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा, जहां पे डिफॉल्ट रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा वहां पे फाइनेंशियल एसेट डीरिकॉग्नाइज नहीं होगा और हमने जो सामने वाली पार्टी से पेमेंट रिसीव की है उसके अगेंस्ट हम एक फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे और जो भी हमारी फैक्टरिंग फी डिसाइड हुई है ये एक तरह से हमारा इस फाइनेंशियल लायबिलिटी के अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस है जिसे हम ओवर द पीरियड रिकॉर्ड कर रहे होंगे. इसी तरीके से फैक्टरिंग के साथ साथ आपके पास एक ये अरेंजमेंट भी आ सकता है कि आपने किसी को अपना रिसीवेबल राइट टू कंसिडरेशन सेल किया
लेकिन कुछ हद तक अमाउंट गारंटी कर दी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरी बुक्स में 10 मिलियन का रिसीवल आ रहा है और मैं सामने वाली पार्टी को ये 10 मिलियन का रिसीवल सेल करूं और 1 मिलियन तक की अमाउंट की गारंटी करूं कि अगर आपको इसमें से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ तो 1 मिलियन की गारंटी मेरी है, 9 मिलियन की अमाउंट अनगारंटेड है, 1 मिलियन की हद तक मैं इस अमाउंट को गारंटी करूं, 1 मिलियन भी रिकवर नहीं हुआ तो 1 मिलियन तक मैं कंपनसेट करूंगा, अदरवाइज मैं कंपनसेट नहीं करूंगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट फैक्टरिंग विद गारंटी कहलाया जाएगा। इस केस में आप अपने फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज करके एक ट्रांसफर एसेट रिकॉर्ड करोगे, इस केस में आप एक लायबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। अब अपने फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज करके एक ट्रांसफर एसेट रिकॉर्ड करोगे एट लोअर ऑफ टू थिंग्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन द ट्रांसफर दैट द एंटिटी कुड बी रिक्वायर्ड टू पे, दैट इज द गारंटीड अमाउंट। जो भी आपके फाइनेंशियल एसेट की कैरिंग अमाउंट है या जितना अमाउंट आपने गारंटी किया है, इन दोनों के लोअर पे आप एक फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करोगे और एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड होगी? सर जितना अमाउंट आपने गारंटी किया है, जितनी आपकी गारंटी अमाउंट है प्लस इस गारंटी सर्विसेज के अगेंस्ट आपने कुछ एडिशनल चार्ज किया है तो फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी। अगर मैं फैक्टरिंग अरेंजमेंट में रिसीवेबल सेल कर रहा हूं और रिसीवेबल का सर्टेन बैलेंस गारंटी कर रहा हूं तो ये फैक्टरिंग विद गारंटी कहलाया जाएगा। यहां हम अपना फाइनेंशियल एसेट तो डीरिकॉग्नाइज कर देंगे लेकिन अपनी बुक्स में एक ट्रांसफर्ड एसेट और एक एसोसिएटेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसफर एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और द गारंटी अमाउंट। लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा गारंटी अमाउंट प्लस द फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी सर्विसेज। फिर जैसे जैसे वक्त लैप्स करता जाएगा, टाइम लैप्स करता जाएगा, जो भी हमने फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी रिकॉर्ड की है यानी कि गारंटी सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट रिकॉर्ड की है, इसे हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इनकम का पार्ट बनाते जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, गारंटी पीरियड क्रॉस होता जाएगा, लैप्स होता जाएगा, वो जो गारंटी सर्विसेज की मद में हमने पैसे अपनी एसोसिएटेड लायबिलिटी में रिकॉर्ड किए, इसे हम प्रोपोर्शनेटली टाइम बेसिस पे अपनी इनकम का पार्ट बना देंगे। इसी तरीके से डीरिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में एक और कॉन्सेप्ट है रिपर्चेस एग्रीमेंट का। क्या आपने एक फाइनेंशियल एसेट सेल किया, साइमल्टेनियसली सामने वाले के साथ एक रिपर्चेस एग्रीमेंट कर लिया कि आप इसे फ्यूचर में रिपर्चेस कर रहे होंगे। अब ये रिपर्चेस एग्रीमेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, रिपर्चेस प्राइस हम फिक्स कर लें या रिपर्चेस प्राइस को हम मार्केट वैल्यू की बेसिस पे लॉक करें। एक तो ये कि मैं अपना एसेट सेल करूं और डिसाइड कर लूं डे वन पे ही कि मैं इस एसेट को फ्यूचर में रिपर्चेस करूंगा इस स्पेसिफिक डिसाइडेड प्राइस पे, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने फाइनेंशियल एसेट को सेल करूं और सामने वाले से ये कमिटमेंट करूं कि मैं इसे रिपर्चेस तो करूंगा लेकिन रिपर्चेस करते वक्त जो भी इस एसेट की मार्केट वैल्यू होगी, जो भी इस एसेट की मार्केट प्राइस होगी, उस प्राइस पे रिपर्चेस कर लूंगा। तो अगर तो आपने अपना फाइनेंशियल एसेट सेल किया है विद अ रिपर्चेस एग्रीमेंट एंड रिपर्चेस एट अ फिक्स्ड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, तो इस केस में आप अपने फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज नहीं करोगे। इस केस में फाइनेंशियल एसेट आपकी ही बुक्स में रिकॉर्ड रहेगा, उल्टा जो पैसे आपने सामने वाले से लिए हैं उसके अगेंस्ट आप एक फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने कोई एसेट सेल किया है विद अ रिपर्चेस एग्रीमेंट एंड द रिपर्चेस प्राइस इज द मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ रिपर्चेस, तो इस केस में हम अपने फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। जो भी कंसिडरेशन हमने रिकॉर्ड की, रिसीव की, इसे हम डेबिट कर रहे होंगे, बाकी डिफरेंशियल गेन और लॉस हमारा पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे IFRS 9 में डीरिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट के हवाले से। आई होप कि इन चीजों को मैं अच्छे से समराइज कर सका हूं। आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।